करते, आप लोग भी काफी हम लोग भी घन मारते हैं, सब मेहनत करते हैं, लड़की है, लुगाई है, बाल बच्चे छोटे छोटे सब मेहनत करते हैं। और आप लोग का आप लोग करते हैं? बाप दादा मर गए, सात पेड़ी से ही काम करते हैं। सात पेड़ी से? देखिए मैं देख लीजिए, रात दिन स्ट्रगल करते हैं और धूप में तो और दिक्कत होती है इन लोगों की। कपड़ा से आप लोग को मिला सकते हैं, देख लीजिए ये कपड़ा जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। लाइक बैक टू न्यू ब्लॉग, अभी शायद आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा ये जो दृश्य अभी आप लोग दिख रहे होंगे, थोड़ा इस साइड भी दिखा दीजिएगा घुमाकर, जो आप लोग को दिख रहा होगा ये अलग, मतलब हर जगह हो जा कर इन लोग का बिजनेस है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इनके बाइट लेते हैं चल कर, उधर चाचा जी एक हैं जो अभी काम कर रहे हैं, उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। जो अभी देख लीजिए कितना स्ट्रगल, थोड़ा उस साइड दिखा दीजिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का कार्य है जो आप लोग को दिख रहा होगा। जो बढ़ई जो बोला जाता है ना, लोहार, लोहार उसी के कैटेगरी में आता है। लोहार कैटेगरी में जो ये लोहे के मतलब पिघला कर अलग अलग हथियारों का जो तैयारी करते हैं, और इनसे कुछ बात करेंगे। जैसे कि चाचा जी आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम चम्मेर। और आप कहाँ से हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिला सागर जी। और कितना दिन से ये कार्य करते हैं, शुरू से आप लोग करते हैं? बाप दादा मर गए, सात पेड़ी से ही काम करते हैं। सात पेड़ी से? देखिए मैं बता दूँ, ये सात पीढ़ी से जो अभी कार्य करते आ रहे हैं अभी तक, और कोई व्यवस्था नहीं होता हम लोगों की, मेहनत करते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं बिकता है तो भूखे सोते हैं। देख लीजिएगा एज, मैं बता दूँ, बोल रहे हैं चाचा जी कि मेहनत करते हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी भूखा भी सो जाते हैं। ऐसा इन लोग का जिंदगी चल रहा है। और आप लोग का घर और है कि नहीं? घर और कुछ नहीं है, मालधन रहते हैं हम लोग टपरा अपरा बना के ना। और आप लोग ऑल इंडिया टूर करते हैं? ऑल इंडिया टूर करते हैं, ऑल इंडिया ये टूर करते हैं। जो दिखाइएगा, देख लीजिए लोहा को किस तरह पिघला कर जो आकार दिया जा रहा है, काफी मेहनत है इसमें भी, काफी ज्यादा ये भी स्ट्रगल करते हैं जी। और सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप लोग के लिए? कोई हमारे लिए खेती की जमीन दो, रुकने के लिए साधन दो, स्थाई करो, सब कुछ, जमीन जगह मिलता हम लोगों को नहीं मिलता है बाबू, हम लोग कहाँ तक जिंदगी ऐसे गुजारेगा, ना स्कूल पढ़ते हैं, ना कुछ करता है, ना कोई शिक्षा के भी आप लोग को दिक्कत? हाँ, शिक्षा भी नहीं, हम लोग पढ़े लिखे कोई नहीं, कोई पढ़े लिखे कोई पढ़े लिखे बाल बच्चे ले ले भाग रहे गांव गांव, स्थाई भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं बता दूं इन लोग का एक जगह स्थाई रहेगा तभी शिक्षा प्रदान हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का काम है कभी यहाँ समस्या गड़बड़ है, बाहर घूम नहीं सकते हैं, खेती की जमीन मिले तो बाल बच्चे पढ़ा सी सकते हैं हम लोग, अब हमारे बाल बच्चे भी मारे खदेड़े, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहा, जगह जगह पिट रहे, मर रहे आदमी, अब हम लोग जिंदगी कहाँ लोग गुजारेगा, हम लोगों ने गुजार दी, हमारे बाप दादे गुजर गया, बाल गोपाल को कहाँ ले। एक और सवाल, ये काम कर कितना तक कमा लेते हैं? हजार भी है महीना में, दो तीन पाँच छः सात दस हजार तक हो जाता है, तो खर्च भी बहुत हो जाता है, कपड़ा लत्ता हर चीज़ खरीदते हैं मोल का जी। कुछ नहीं, जिए खाते हैं जिंदगी में, खाते कमाते चलते पैसा बच जिंदगी है। इन लोगों का मैं बात करूँ ना, खाते कमाते मतलब रोड बचत साइड नहीं है, कुछ भी बचत नहीं है, आज बिक गया तो खा लेगा, नहीं बिका तो भूखे सो जाएगा, किसी जाएगा ना, चोरी ना चपाटी कुछ नहीं, कुछ नहीं 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 सादा। देख लीजिए ऐसा कुछ सिंपल जो अभी बात कर रहे हैं, और इधर भी दिखा दीजिए जो वहाँ पे, इस साइड मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, इस साइड देख लीजिए जो कोयला से वहाँ पर आग जो देकर लोहा को मतलब गलाने का कोशिश किया जा रहा है और वहाँ आकार दिया जा रहा है, काफ़ी मेहनत लगता है जो आकार देने में, और गर्मी में तो और हालत आप लोगों को खराब हो जाता होगा, गर्मी में बहुत दिक्कत होती होगी, बहुत दिक्कत होती है, पर करते हैं क्या करें, भूखे प्यास, जाड़ा में थोड़ा सा तो काम चल जाता हो, क्योंकि जाड़ का समय में उस टाइम चल जाता है। अभी गर्मी में भी इतना बहुत घूम होता है, फिर भी करते हैं। इधर इधर बोलना चाहती हैं, क्या बोलना चाहती, बोलिए बोलिए ना बोलिए, आपका नाम क्या हुआ? गीता। गीता, और आप अभी इसमें मतलब आप लोग का देखिए जो लेडीज है, मैं बात करूं इन लोगों का घर में खाना बनाना रहना, जो अभी कार्य कर रही हैं लोग आप लोग को लाइफ, ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल,
करते आप लोग भी काफी। हम लोग भी घन मारते हैं, सब मेहनत करते हैं, लड़की है लुगाई है बाल बच्चे छोटे छोटे सब मेहनत करते हैं। और आप लोग का बाल बच्चा तो पढ़ता नहीं होगा क्योंकि एक जगह आप लोग एक जगह रहते नहीं होंगे, अस्थाई भी नहीं रहते तो पढ़ेगा कहाँ से। मतलब हर जगह से आप लोग का परेशानी, हर जगह का परेशानी। हमारे गाँव में जाते है वहाँ भी परेशानी है, बाहर रहेगा वहाँ भी परेशानी। और एक बात बोलूं, सरकार से आप क्या कहना चाहिएगा, आप लोग को सरकार कुछ मदद करे तो क्या मांगना चाहिए सरकार से? हम मदद के मांगते हैं, हम लोग को जमीन मिले थोड़ा बहुत रुकने को, वहाँ पर कुछ खाने पीने को मिले, वहाँ पर रहेगा जमीन मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा तो जमीन क्या करेगा। सही बात है। जो आप लोग का घर वगैरह है ना? कुछ नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं, कुठी निकला कुठी है, अभी आधा बना हुआ है। और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, सबसे निवासी होंगे ना कोई जगह जहाँ से आप लोग, कहाँ से रहते हैं? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मालथान, मालथान, हाँ मालथान, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं लोग। जो अभी हालत में आप लोग को लाइव में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि इतना ज्यादा मतलब अभी आग से मतलब धा लग रहा है, ये खुद हमको बैठने में मतलब दिक्कत हो रहा है, रात दिन यही ये लोगों का काम है, तो आप लोग सोचिएगा कितना दिक्कत हो रहा होगा इन लोग को, काफी ज्यादा आप लोग को भी परेशानी झेलना पड़ता होगा। सब परेशानी झेलना पड़ता है, बाहर से निकलते हैं कुछ भी नहीं, इस दुनिया में हर चीज का रेट बढ़ गया, हम लोगों का रेट अभी तक नहीं बढ़ा, उसी तरह चल रहा है, उसी तरह है, महंगा हो गया 30 रुपए किलो कोयला लाते हैं। सब कुछ महंगाई को बात करे तो महंगाई काफी आसमान छू रहा है और आप लोग का रेट नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। 95 रुपए केजी लोहा लाते, 30 रुपए केजी कोयला लाते, 5 आदमी मेहनत करते हैं, दिन भर आप लोग करते रहते हैं, दिन भर ही करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं लोग, शाम को खाना खाते, दिन भर खाना भी नहीं खाते। तो ऐसा जिंदगी है, शायद आप लोग देख रहे होंगे लाइव में, आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा इन लोग को भी अगर कोई मदद करने वाला होगा सरकार से, मैं गुजारिश करूँगा जहाँ तक अगर आपको मदद करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल ये करते हैं लोग। घर परिवार के मैं बात करूँ तो घर परिवार इन लोग का मतलब रास्ते में ही, जहाँ रात बोलते हैं ना कि जहाँ रात वहीं बिहान, इन लोग का बिजनेस है, जो यहाँ दिखा दीजिए, जो अनेक प्रकार का यहाँ पर हथियार जो बनाए हुए हैं, कुल्हाड़ी दबला मतलब जो हमारे किसान और कार में लेते हैं, आप लोगों को दिखा दीजिए कैमरामैन, और इस साइड भी आ जाइएगा, देख लीजिए जो लगाए हुए हैं लोग, तमाम जो एक होता है जो ये सब जाते हैं लोग साथ ही में, जहाँ पर भी जाते हैं लोग, और आप लोग को मैं दृश्य में दिखा दूँ। और चाचा जी हैं कुन, कुछ इनसे भी बात कर लेंगे। चाचा जी आपका नाम क्या हुआ? बीरन। बीरन, और कितने दिन से ये कार करते हैं? अब ये तो पूरा उम्र ही हो गया करते करते जी। और मतलब कितना जो ये चलता कार्यक्रम, आप लोग को कितना कमाई हो जाता है? क्योंकि हमको देखने से काफी ज्यादा आप लोग को मेहनत करना पड़ता है। अब बेटा 70 रुपया किलो लोहा खरीद के लाते हैं, 24 रुपया किलो कोयला खरीद के लाते हैं, अब उसी में से दिन भर मेहनत करते हैं तो जो कुछ बचता है तो चूल्हा चलता है जी जी। अब 6 से 7 आदमी हैं तो अब उसका खाना भी चाहिए, चाय भी चाहिए, कपड़ा लत्ता जी, बीमार हो जाते तो दवाई भी चाहिए, यही जीना खाना करते हैं बेटा जी। क्योंकि आप लोग का देखा जाए तो इन लोग का जिंदगी काफ़ी स्ट्रगल में भरा हुआ है, और बच्चा सबका शिक्षा भी नहीं मिलता होगा। अब जमीन नहीं है बेटा, शिक्षा पढ़े लिखे भी नहीं है, जमीन भी नहीं है जी, इसके अलावा और कोई रोजगार भी नहीं है, अब कैसे पढ़ा देंगे? सरकार से क्या कहना चाहिएगा आप लोग? मध्य प्रदेश से ना आप लोग बिलोंग करते हैं? हाँ, हम लोग मध्य प्रदेश के हैं, अब कहने को तो खूब कहते हैं, अब होता कुछ नहीं है, यही है कि अब कहना है अब। जी जी, कहीं ना कहीं इन लोग का जो लाइफ है आप लोग को दिख रहा होगा लाइफ, जो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, इस साइड भी थोड़ा दिखा दीजिए, जो अनेक प्रकार का हथियार तैयार करते हैं लोहा को जो बना कर जी। चाचा जी कुछ और बोलना चाहते हैं जी, बोलिए। किसी भी गरीब आदमी से बेटा पूछने से कुछ नहीं होता है, आदमी की सारी स्थिति जो है उसका रहन सहन और उसका परिवार और उसका मन घर बता देता है जी जी जी। कि आदमी किस हाल में है जी जी, सबको दिखाई देने लगता है जी। अब आदमी मुंह से बोलेगा तो क्या बोलेगा,
अब कोई मदद भी नहीं करता है, अगर बोलेंगे तो उनको बुरा भी लगेगा, तो इसलिए बोलते नहीं हैं। जिसमें भगवान जैसे में जिंदगी पार लगाएंगे और क्या करें, करना पड़ेगा सब। सही बात है, क्योंकि इन लोग को भी मदद करना चाहिए। सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि ये देख लीजिए, रात दिन स्ट्रगल करते हैं और धूप में तो और दिक्कत होती है इन लोगों की। कपड़ा से आप लोग को मिला सकते हैं, देख लीजिए ये कपड़ा जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लाइव दिखा रहे हैं मैं कि ये कितना स्ट्रगल ये करते होंगे और करते हैं। ये पीढ़ी इनका चला जा रहा है इस स्ट्रगल करते करते। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और कैसा आप लोग को फीडबैक लगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा और बताइएगा। जो दृश्य मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, हम जाते जाते हम लोग को ये दिखे हुए हैं, तो क्यों ना सोचे आप लोग को पेश बीच में करूँ। और चलिए, आप लोग का सुझाव क्या रहता है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जहाँ तक ये दिखे आप लोग को रोड साइड में, क्योंकि इन लोग का कोई घर नहीं है, जहाँ मतलब शाम वहीं बिहान लोग बोलते हैं। अगर आप लोग को मदद करने का सहयोग होगा तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को ज़रूर ये मिल जाएंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।